यस अभी आपकी जो सेशन है इट्स बीइंग रिकॉर्डेड। सो टुडे ईथरनेट पे कनेक्टिविटी है इंटरनेट की, ताकि वॉइस का कोई इशू ना हो आपको, रेदर देन वाईफाई ये जो है ईथरनेट मैंने फंक्शनल करवाया इन माय ऑफिस रूम। तो होपफुली आज आपको आवाज़ जो है वो उसमें जिटर्स कम होंगे और आपको क्लियर फील होगा, बिकॉज वाईफाई में सिग्नल्स का थोड़ा इशू हो जाता है, तो ईथरनेट में इस तरह का कोई मसला नहीं। तो एज यू कैन सी स्टूडेंट्स के जो वीक 3 की हमारी स्लाइड्स थी, इसमें आपको रेफरेंसेस नज़र आएंगे 3 टॉपिक। इसमें कंप्यूटिंग प्रोफेशन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग आ जाते हैं। बाय द वे मैंने अभी लेक्चर स्टार्ट नहीं किया, वो मैं 12:15 ही स्टार्ट करूँगा। उस वक्त तक सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने आज पढ़ना क्या है और वीक 3 को कंक्लूड कैसे करना है। लेक्चर विल स्टार्ट एट इट्स टाइम एट 12:15 PM। तो देखिए, इसमें एक तो कंप्यूटिंग प्रोफेशन की बात है और ये हम कवर करेंगे, जो कि रिसर्च पेपर आपके साथ शेयर किया है और मैंने ODL के ग्रुप पे उसका पाठ भी आपको बता दिया है। होपफुली आपने वो ओपन किया होगा, मैं आपको शो भी कर देता हूँ, नीचे रेफरेंस भी दिया हुआ है। 1, द इंस्ट्रक्टर विल डिस्कस द कंप्यूटिंग प्रोफेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस रिसर्च पेपर, जो कि किसने तैयार किया था, IEEE CS ACM की ज्वाइंट टास्क फोर्स ने इस पर रिसर्च की थी और कॉन्फ्रेंस में ये उन्होंने प्रेजेंट भी किया था। मैं आपको स्क्रीन पे शेयर भी कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। लेट मी शेयर इट विद यू। यस ये स्टूडेंट्स, होपफुली आपको अभी ये विजिबल हो जाएगा विद अ लिटिल डिले। ये वो रिसर्च पेपर है जो कि आपके अपलोडेड फोल्डर में अवेलेबल है, पाथ मैंने आपको दे दिया है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंसेस / अमेरिकन कंप्यूटिंग मशीनरी, इनकी ज्वाइंट टास्क फोर्स थी और टास्क फोर्स किस पे काम कर रही थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस पे। ये इसका रेफरेंस भी दिया हुआ है ऊपर। तो ये जो है ना, आपने ये आपकी स्टडी असाइनमेंट होगी, इसे मैं डिस्कस भी करूँगा, लेकिन ये पढ़ने से ताल्लुक रखता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जैसा कि अब आप सीनियर स्टूडेंट्स हो गए हैं, यू आर नाउ इन सेकेंड ईयर, तो आप में इतनी सलाहियत है कि आप ये रिपोर्ट है एक तरह से, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। ज्वाइंट टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट है और ये बात करेगी किस पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इथिक्स और प्रोफेशनल प्रैक्टिस पे, जो कि हम पिछले 2 हफ्ते में हमने इसी बात को डिस्कस किया था अपने 2 वीक्स के अंदर कि ये क्या होता है। तो उसी की एक्सप्लेनेशन है इसमें। मिसाल के तौर पे अभी जब क्लास स्टार्ट होगी तो मैं आपसे डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा। जैसे इसने पब्लिक को यहाँ पर डिफाइन किया है, प्रोडक्ट क्या होती है जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिलीवरेबल्स, जो कि आप ऐप कोड करके देते हैं वो प्रोडक्ट होती है। पब्लिक जो है उसमें अफराद आ जाते हैं, क्लाइंट एंड एम्प्लॉयज़ सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन में या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। इसी तरह इसने छोटी छोटी की टर्म्स जो हैं वो इसने बनाई हैं। ये इसका प्रेफेस या प्रीएम्बल है, ठीक है, और फिर उसके बाद इसने उसको पॉइंट्स में डिफाइन कर दिया। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपने इस हफ्ते स्टडी करने हैं, अभी कर लीजिए आज आफ्टर द क्लास, या आप वीकेंड पे कर लें, इट्स अप टू यू। इसको मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा, लेकिन ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट है। और ये किस टॉपिक के बारे में है, जो हमने लास्ट वीक में कवर किया था और पहले हफ्ते में, कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस क्या होती है, इथिक्स क्या होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग प्रोफेशन या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये स्टूडेंट्स आपने पढ़ लेना एज अ स्टडी असाइनमेंट। तो अभी मुझे शायद किसी स्टूडेंट का ही मैसेज आया है, लेट मी चेक इफ समबडी हैज टेक्स्ट। ओके, ओके, तो किसी स्टूडेंट का मैसेज था कि उसका इंटरनेट डिसकनेक्ट हो गया। तो बेटा, ऐसे मैसेज क्लास के टाइम बेशक ना ही किया करें, डिसकनेक्ट हो गया तो वेट करें, आपकी कनेक्टिविटी दोबारा आ जाएगी। इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ,
ओके आप अगर सीआर और जीआर को बता दिया कीजिए अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए, या किसी भी क्लास फेलो को जब अटेंडेंस हो रही होती है तो वो मुझे बता सकते हैं, आपके अटेंडेंस में लगा दूंगा, इस तरह की कोई इशू नहीं, बट लेक्चर के टाइम पे इस तरह का मैसेज इज़ नॉट गुड। अगर आपको ऐड करना है तो आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो फिर मुझे मैसेज कर दिया करें, आई ऐड यू गाइस। ओके जी बेटा, आज आवाज़ साफ है पहले की निस्बत। यस सर, सर सर कल वाला टॉपिक लीगल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आपकी आवाज़ अटकी थी, क्या वो दोबारा रिपीट कर सकते हैं आप आज? आज तो नहीं बेटा, उसके लिए कोई मेकअप क्लास रख लेंगे, जिस दिन आपकी लेक्चर फ्री हो, मैं भी क्लास से फ्री हूँ, तो उस दिन एक मेकअप क्लास रख के तो एक वर्कशॉप रख लेंगे, और उसमें आप किताब से भी पढ़ लीजिएगा और वो रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा, और फिर जो ना समझ आए आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। लेक्चर रिपीट नहीं होगा लेकिन आप नोट्स पढ़ लो और उसको सुन लो, और फिर आप अपने क्वेश्चंस राइट डाउन कर लीजिए, और वो हम एक ट्यूटोरियल रख लेंगे, उसमें आप वो अपनी क्लैरिफाई कर लें। तो टाइम टेबल में मैं आपके देख लेता हूँ, जिस दिन फ्री है उस दिन ट्यूटोरियल कॉल कर लेते हैं। तो ओके तो मैं बात कर रहा था बेटा, ये आपने ना पेपर, ये वैसे भी बहुत अच्छा है, कोर्स से हटकर भी दिस इज़ वेरी हेल्दी कि आप इसको स्टडी कर लें। ये हमारा IEEE ACM जो है वो यूजुअली स्टैंडर्डाइजेशन करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटिंग के अंदर जो स्टैंडर्डाइजेशन का काम है, वर्ल्ड वाइड जो स्टैंडर्ड्स बनते हैं उसमें इसकी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आप इस रिपोर्ट को एज अ स्टडी असाइनमेंट पढ़ लीजिएगा। अब वापस चलते हैं, ऑल्दो आई विल डिस्कस टुडे एज वेल, वापस चलते हैं जी स्लाइड्स के ऊपर। अब अगर आप स्लाइड्स में देखें तो वीक थ्री में एक तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी हो गई, एक्टिविटी प्लेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज व्यूड बाय वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स। तो प्लेस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, वो हमने कल चैप्टर टू स्टार्ट किया था फ्रैंक बॉट का, वहाँ से हमने देखा था। अब एक तो ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन में काम कौन करता है? कंप्यूटिंग प्रोफेशन के लोग, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, या डेवलपर्स, या कोडर्स, और वो जाहिर है इन अ टीम काम करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, हमने कल भी पढ़ा था। तो हमने अब देखना है, उन लोगों को भी देखना है जो इसमें काम करते हैं, क्योंकि फिर ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी कंप्लीट होती है, प्लेस एंड पीपल। तो ये देखें, अब आप ज़रा यहाँ पर गौर कीजिए, पहले रेफरेंस के बाद ये मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, एंड प्रेजेंट सिनेरियोज विद एग्जाम्पल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंटाई वर्क एंड कॉन्स्टेंट टाइम वर्क। ये रेफरेंस 2 और 3 है, अगली स्लाइड पे चलता हूँ। ये देखें, ये पहला रेफरेंस आपको दिया हुआ है, मैंने अभी शो भी किया रिसर्च पेपर। ये जो दूसरा रेफरेंस है ये है मेंटाई का रिसर्च है, और ये इसका टाइटल क्या है, द इफेक्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग टीम स्ट्रक्चर्स ऑन प्रोग्रामिंग टास्क। और इसी तरह जो थर्ड रेफरेंस है ये कॉन्स्टेंटाइन का काम है, और ये है जी वर्क ऑर्गेनाइजेशंस पैराडाइम्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो दूसरा रेफरेंस बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर टीम्स को डिस्कस करेगा, और तीसरा रेफरेंस जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन पैराडाइम्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिस्कस करेगा। ये जो दूसरा और तीसरा रेफरेंस है ना स्टूडेंट, ये आपके पास बुक में अवेलेबल है, मैंने रेफरेंस सेक्शन में एक किताब दी हुई थी, उसी अपलोडेड फोल्डर के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आएगी, रेफरेंस बुक्स के फोल्डर में आपने जाना है, और वहाँ पे लिखा हुआ होगा Chapter 3 highlighted.pdf। ये मैं अभी आपसे शेयर भी करता हूँ, लेट मी शेयर विद यू, स्लाइड्स को हम अनशेयर करते हैं। ओके तो अभी मैंने लेक्चर स्टार्ट नहीं किया, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कवर कहाँ कहाँ से आज का लेक्चर आप पढ़ोगे। तो पहला रेफरेंस तो स्टूडेंट्स आपने वो IEEE ACM की जो रिपोर्ट थी जॉइंट टास्क फोर्स की, वो आपने एज अ स्टडी असाइनमेंट स्टडी करना है, ऑल्दो मैं उसको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूँगा, वो हमारे लास्ट वीक से रिलेटेड है। और ये वो आ गए दो रेफरेंसेस, मेंटाई और कॉन्स्टेंट टाइम का जो मैंने दिखाया था, इसमें क्या चीज़ थी, सॉफ्टवेयर टीम्स एंड सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन पैराडाइम्स। तो ये जो दो और तीसरा रेफरेंस था वो इस चैप्टर में लिखा हुआ है, ये किताब आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ, और इंटरेस्टिंगली इसमें सारा मैंने येलो मार्कर से हाईलाइट भी किया हुआ है,
क्योंकि यही कोर्स CS 18 वाले भी पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, तो इस वजह से ये आपको हाइलाइटेड फॉर्म में अवेलेबल है। ऑल्दो जो आपकी इन कैंपस क्लास होती है उसमें मैं हाइलाइटेड नोट्स शेयर नहीं करता, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो बाकी जो कंटेंट्स होते हैं चैप्टर के उसे स्किप कर देते हैं। लेकिन ODL में क्योंकि अभी इंटरेक्शन नहीं है तो आपसे मैं ये शेयर कर रहा हूँ ताकि आप जो हाइलाइटेड पोर्शन है उसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं उसको बाद में ज़रूर पढ़ लें। तो इससे स्टूडेंट्स हमने आज की क्लास में कवर करना है टीम्स और ऑर्गेनाइजेशन पैराडाइम्स। तो इसमें ये देखें, ये मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम या 4P मॉडल है, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्रोजेक्ट। और ये मैं आपको बताता चलूँ, अभी मैंने आपको जो रिसेंट पेपर दिखाया था उसमें भी यही टर्म्स थी, पीपल, प्रोडक्ट, ये दोनों एक ही इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं। वो ज्वाइंट टास्क फोर्स का पेपर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, किताब से मैं आपको साथ साथ पढ़ाऊँगा। और इसके बाद इसने ये देखें, ये ऑर्गेनाइजेशन में प्लेयर्स यानी कि रोल्स क्या होते हैं, ये रोल्स की इसने बात की है। फिर थोड़ी सी सॉफ्टवेयर लीडरशिप की बात है यहाँ पे, और फिर टीम्स आ जाती हैं। ये वो मेंटाई का रेफरेंस जो आपकी स्लाइड्स में नज़र आ रहा था, मेंटाई, ये उसका काम है कि टीम्स कैसे बनती हैं। टीम्स के 3 मॉडल हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंटाइन का रेफरेंस स्लाइड्स में दिया हुआ था, ये आ गया, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, CON 93 कॉन्स्टेंटाइन। इसने ऑर्गेनाइजेशनल पैराडाइम्स की बात की है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जो कि हमारा Week 3 का टॉपिक भी है। कल हमने फ्रैंक बॉट की किताब से पढ़ा था, आज हम ये जो कॉन्स्टेंटाइन का रेफरेंस है और मेंटाई का और IEEE का, इससे हम इसको कवर करेंगे। तो आखिर में ये थोड़े से इसके नोट्स हैं जिसपे और लोगों ने भी अपनी इनपुट दी है, जैसे ये क्रॉल एंड स्ट्रीटर का आप काम देख रहे हैं, और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल से की है इसने इस चैप्टर में। तो हम ये तीसरा चैप्टर जो है स्टूडेंट्स कवर करेंगे, और इसमें वही बात है जो हमने कल फ्रैंक बॉट की किताब से पढ़ी थी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसी को हम कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहे हैं। और हमारा फोकस सारा का सारा किस पे है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन, सॉफ्टवेयर टीम्स, सॉफ्टवेयर एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। फ्रैंक बॉट की बुक में हमने कल जर्नल आइडिया ऑर्गेनाइजेशन का लिया, आज हम उसको कंप्यूटिंग प्रोफेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो कि आपकी स्लाइड्स का टाइटल भी है। सो 2 मिनट रह गए हैं, अब हम इसको फॉर्मली लेक्चर को अपना आफ्टर 2 मिनट स्टार्ट करेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज की क्लास में जो हमने कवर करना था। तो मैंने पहले इसीलिए स्टार्ट किया है लेक्चर 15 मिनट के, आपको पता हो कि पढ़ना कहाँ कहाँ से, ये आपको क्लियर हो जाए कि कवर कहाँ से करना है। आपकी स्टडी असाइनमेंट है वो रिसर्च पेपर, और आपने जो कंटेंट्स हैं 2 और 3 रेफरेंस, वो अपलोडेड फोल्डर में रेफरेंस बुक्स में Chapter 3 highlighted.pdf की फाइल है, उसमें Chapter 3 ओपन कर लेना है आपने, पेज को इधर नज़र आ जाएगा, और वहाँ से हाईलाइट भी हुआ हुआ है यानी कि नोट्स उसमें बने हुए हैं। तो ये 2 चीज़ें आपने कवर करनी है फॉर Week 3। और डेफिनेटली स्लाइड्स जो कि अपलोडेड है उसमें तो कोई इतना मटेरियल नहीं है, लेकिन जो कल हमने पढ़ा था फ्रैंक बॉट की किताब से, वो भी आपने कवर कर लेना है। तो अभी 12:01 रह गया है, तो उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि आज की क्लास के जो स्टडी मटेरियल है वो आपने कहाँ कहाँ से कवर करना है। ओके जी, 12:15 हैं, तो स्टार्ट करते हैं जी आज की क्लास। लेट मी शेयर द पेपर विद यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द रिसर्च पेपर शेयर्ड विद यू, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, IEEE CS ACM ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। ये 2001 में पब्लिश हुआ था, और साइंस एंड इंजीनियरिंग एथिक्स के अंदर ये पब्लिश हुआ था, इसके पेज नंबर भी दिए हुए हैं। सो इसमें जैसा मैंने अभी थोड़ा सा पहले बताया आपको कि ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट है ये उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेगा जो Week 2 में हमने किए, और जो Week 3 यानी अब हम कर रहे हैं। तो इसमें देखें, इसमें डेफिनेशन दी हुई है उसने कि पब्लिक क्या होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल एक्ट कंसिस्टेंटली विद द पब्लिक इंटरेस्ट। जो आपके यूजर्स हैं, जो कि
आपकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं. क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर शेल एक्ट इन अ मैनर दैट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉयर कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट. अब देखें, ये आपके आपको प्रोफेशनल बिहेवियर और आपकी इथिकल मॉरल के बारे में गाइडलाइन है बेसिकली ये. तो क्लाइंट आपका वो है जो आपसे सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहा है, और एम्प्लॉयर कौन सा है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो. तो दोनों के साथ आपने कार्डियली जो है वो बिहेव करना है. प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर शेल इंश्योर दैट देयर प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड मॉडिफिकेशंस मीट द हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पॉसिबल. अपनी तरफ से आपने पूरी इनपुट देनी है अपनी प्रोडक्ट में. जजमेंट की टर्म है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शेल मेंटेन इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट. आपने जज करने में जल्दी नहीं करनी किसी को भी, बल्कि पर्सनल जो आपकी फीलिंग्स हैं उसको अपने काम से अलहदा रखना है. इसमें डिस्कशन हो सकती है, हम किसी केस स्टडी में करेंगे कि आप किसी इंटरनेशनल फर्म के लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हो जो कि आपकी मॉरल वैल्यूज से कॉन्ट्रडिक्ट करता है. मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल्स बुक्स में और जगह दी हुई थी कि एक कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, केस स्टडी थी, जो कि अरब कंट्री से ताल्लुक़ रखता है, पैलेस्टाइन से या सीरिया से, और वो किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है जिसमें उसने जो जियो रिलीजन है उसका साइन देना है. तो अब उसकी जो है जो पर्सनल फीलिंग्स है या जो पर्सनल मॉरल वैल्यूज हैं उससे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है उसके प्रोफेशनल काम की. तो आपने अपनी पर्सनल जजमेंट को सेपरेट रखना है फ्रॉम योर प्रोफेशनल वर्क. ठीक है, प्रोफेशनल वर्क में आपकी पर्सनल फीलिंग्स, रिलीजियस एफिलिएशंस, पॉलिटिकल एफिलिएशंस, इवन नेशनल एफिलिएशंस, उनको आपको एक तरफ रखे. एज अ प्रोफेशनल, एज अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने अपनी पूरी इनपुट देनी होती है उस काम के अंदर. तो इसी तरह से आप इसको पढ़ेंगे, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर्स एंड लीडर्स शैल सब्सक्राइब टू एंड प्रमोट एन एथिकल अप्रोच. ठीक है, तो इस तरह से ये आप पढ़िएगा. इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि टेक्निकल हो या काफ़ी डिफिकल्ट हो. इसकी बेस हम बना चुके हैं लास्ट वीक और फर्स्ट वीक में कि ये कोर्स क्या है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस और इथिक्स क्या होता है. तो इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बातें लिखी हुई हैं, तो ये आपने एज अ स्टडी असाइनमेंट इस हफ्ते, और ये अनमार्क्ड असाइनमेंट है, दिस इज़ नॉट मार्क्ड. ये जनरल नॉलेज के लिए भी एज अ कंप्यूटर ग्रेजुएट बहुत अहम चीज़ है, और आपको ये लाइफ में भी फ़ायदा देगा, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप करें या आप कहीं पर जॉब करें एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ कंप्यूटिंग प्रोफेशनल. सो ये डॉक्यूमेंट आपकी काफ़ी हेल्प करेगा. तो अब हम आ जाते हैं हमारी जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है 12:15 के बाद, तो उनको मैं एक दफ़ा स्लाइड्स भी दिखा देता हूँ जो कि मैं स्टूडेंट से पहले शेयर कर चुका था. अब हमने जाना है जी, हमारी जो कंप्यूटिंग प्रोफेशन है वो तो आप ये अब पढ़ोगे और पढ़ भी रहे हैं. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी की प्लेस को हमने कल शुरू किया था, और उसे कंक्लूजन पे हम अपने मेंटाई और कॉन्स्टेंटाइन के वर्क से आज लेकर जाएंगे. तो मैं वो नोट्स खोलता हूँ जहाँ पे आपके साथ कॉन्स्टेंटाइन का जो है हाइलाइटेड वर्क जो है वो शेयर किया हुआ, तो वहाँ से हम आज की क्लास को शुरू करते हैं. ये स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपके साथ बुक शेयर की हुई है, इसके पेज 55 से ऑनवर्ड्स चैप्टर 3 है जो कि आपने कवर करना है. तो इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स चैप्टर का टाइटल है, लेकिन इसमें हमारा इंटरेस्ट है कॉन्स्टेंटाइन और मेंडाई का वर्क, जिसमें सॉफ्टवेयर टीम्स और ऑर्गेनाइजेशनल पैराडाइम्स को डिस्कस किया. ओके एवरीवन, अभी देखेंगे इसमें क्विक लुक दी हुई है चैप्टर की, हु डज इट, सॉफ्टवेयर एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है. Everyone manages to some extent, but the scope of management activities varies with the person doing it. Software activity के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, engineering activity में planning, monitoring, controlling, technical tasks जो कि general management में भी होती हैं, और software engineering organizations या software houses में भी आपको, या corporate sector में जो computing से related हो, इस तरह की activities करना होगी. Important क्यों है जी, इट इन्वॉल्व मैनी पीपल वर्किंग ओवर अ रेलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. टीम्स, सॉफ्टवेयर टीम्स को पढ़ना और सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है
कि अगर आपने एज अ प्रोफेशनल या एज अ प्रोफेशन इन कंप्यूटिंग काम करना है तो आपको इन डायनामिक्स की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। और स्टेप्स इसमें क्या है कि चार चीज़ों को आपने समझना होगा बींग अ प्रोफेशनल, और तभी आप प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस और एथिक्स को फॉलो कर सकेंगे। और वो क्या है जी, फोर पीज हैं जो आपको IEEE ACM के उस रिपोर्ट में भी नज़र आएंगे, दैट इज पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट। इन चार पीस को हम देखेंगे स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर में। व्हाट इज द वर्क प्रोडक्ट, आउटपुट आपकी क्या होती है जी, डिलीवरेबल होता है आपका, जाहिर है वो भी हम इस चैप्टर में इनको देखेंगे। ओके जी, नाउ वी आर स्टार्टिंग टॉपिक 3.1, दिस इज द मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम। इफेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकसेस ऑन द फोर पीस व्हिच मींस पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड द प्रोजेक्ट। द ऑर्डर इज नॉट आर्बिट्रेरी, ठीक है। और ये किस तरह की टास्क होती है जी, इंटेंसली ह्यूमन एंडेवर विल नेवर हैव सक्सेस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, तो मैं अभी यहाँ से पढ़ रहा हूँ, फिर मैं इसे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है ना। ये आप देखें, चार पीस की अहमियत, चार पीस की डेफिनेशन ले लें, फिर आपको ये मैं समझाता हूँ कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। पीपल क्या चीज़ है जी, कल्टिवेशन ऑफ मोटिवेटेड हाईली स्किल्ड सॉफ्टवेयर पीपल। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स तो आपने सुना होगा कि फसलों को आप कल्टिवेट करते हो, लेकिन यहाँ पे आप एक लफ्ज़ पढ़ रहे हो, कल्टिवेशन ऑफ मोटिवेटेड हाईली स्किल्ड सॉफ्टवेयर पीपल। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी है ना स्टूडेंट्स, हमने स्लाइड में क्या देखा था, हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी एंड प्लेस, प्लेस या ऑर्गेनाइजेशन को कल शुरू किया था, आज उसको कम्प्लीट करेंगे। और एक्टिविटी में दूसरा कौन सा एलिमेंट है, वो है अफराद का, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक्टिविटी को पूरा करते हैं। तो इसमें सबसे अहम फैक्टर जो है वो है पीपल की कल्टीवेशन, यानी जब आप किसी क्रॉप को कल्टीवेट करते हो तो आप उसे रिटेन भी करते हो, जब तक एक पौधा जो है वो बड़ा हो जाता है, किसी अगर फलदार दरख्त है, आपने उसे काश्त किया, कल्टीवेट किया, फिर उसे पानी देते हैं, उसकी केयर करते हैं, और उसको आपकी कोशिश होती है कि आपके पास रहे ताकि उससे जो फ्रूट्स आएंगे उससे आपको फ़ायदा हो सके। तो इसी तरह जब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें पीपल को कल्टीवेट किया जाता है, स्किल्ड पीपल को उठा के उनका मोटिवेशन लेवल अप रख, तो फिर उनको रिटेन किया जाता है अपने इदारे के अंदर। और यही वजह है कि एक्सपीरियंस की इम्पोर्टेंस क्यों है किसी भी इदारे में, वो इसलिए है कि जो जिस जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसने कल्टीवेट किया होता है लोगों को, उसके ऊपर अपनी एफर्ट जो है वो स्पेंड की होती है। ओके जी, हैज़ बीन डिस्कस्ड सिंस और 1960s से जो है ये चीज़ लिटरेचर में अवेलेबल है, और एक मॉडल भी है जी, पीपल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, PMCMM। और ये किसने मॉडल बनाया जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है उसने ये मॉडल डेवलप किया है, SEI हैज़ डिवेलप्ड अ PMCMM मॉडल। और ये क्या कहता है जी इस मॉडल की, देखें नीचे हाईलाइट की हुई डिटेल क्या है, रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, करियर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क डिज़ाइन एंड टीम एंड कल्चर डेवलपमेंट। तो ये जो मॉडल है वो इन इन पॉइंट्स को डिटेल में बताता है कि आपने कैसे मेंटेन रखने हैं। तो जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी के अंदर फोर पीज में पहली चीज़ जो है आपके पास पीपल, और पीपल के बाद अगर आप दूसरी चीज़ देखें तो दूसरी चीज़ है अहम प्रोडक्ट जो कि आपने डिलीवर करना होती है। पीपल काम किस पे करते हैं, प्रोडक्ट पे, और प्रोडक्ट क्या होती है जो कि आपने डिलीवर करना होती है क्लाइंट को। तीसरी चीज़ आपके जी 4P प्रोसेस में क्या है जी, द प्रोसेस। अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फ्रॉम विच अ कम्प्रीहेंसिव प्लान फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैन बी एस्टैब्लिश्ड। प्रोसेस है कि आप वो सॉफ्ट प्रोडक्ट बनाओगे कैसे, ठीक है। अगले सेमेस्टर्स में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ेंगे, देखें चैप्टर 2 का इसने रेफरेंस दिया, तो आप वो प्रोसेसेस पढ़ेंगे, काफ़ी सारे प्रोसेस हैं जो इस कोर्स में हमने डिस्कस नहीं करने, इसमें हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस तक लिमिटेड रहेंगे। लेकिन प्रोसेस से मुराद है कि आपने डिलीवरेबल कैसे बनाना, पीपल वो अफराद जो काम करते हैं, और उन अफराद के लिए एक SEI का मॉडल है जो PMCMM कहलाता है, जिसमें वो 5-6 पॉइंट थे, रिक्रूट करना, मेंटेन करना, ट्रेन करना, कल्टीवेट करना, वो सारी बातें आती हैं। फिर आपने प्रोडक्ट देखी जो आपने डिलीवर करनी है, दूसरा P, थर्ड P किस तरह से वो प्रोडक्ट बनेगी, और फाइनली क्या है जी, प्रोजेक्ट।
ओवरऑल प्रोजेक्ट जिसमें अफराद काम करते हैं और डिलीवर जो आपकी प्रोडक्ट होती है वो आउटकम होती है उसकी। वी कंडक्ट प्लान एंड कंट्रोल्ड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। कोई भी काम करने से पहले आप सॉफ्टवेयर इदारे में उसकी प्लानिंग करते हो, ठीक है। कल याद करें ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या थी, विद प्री डिफाइंड गोल्स। एक इदारा क्या होता है जिसमें दो या इससे ज़्यादा अफराद प्री डिफाइंड गोल से काम कर रहे हो, तो वो गोल कहाँ से आता है, वो गोल प्लानिंग से अचीव होता है। जब आप प्लान करते हैं कि जी आपने एक पुल कंस्ट्रक्ट करना है, ब्रिज बनाना है, एक सड़क रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, एक बिल्डिंग बनानी है, एक नई यूनिवर्सिटी बनानी है, तो ये आपकी टास्क हो गई या प्रोडक्ट हो गई। और बनाएंगे कौन, जिसमें सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, बहुत सारी अफरादी कुव्वत या रिसोर्स इन्वॉल्व होगी। ह्यूमन रिसोर्स हो गई जी पीपल, जो आपने ब्रिज बनाना है वो हो गई प्रोडक्ट। और अब आपकी प्लानिंग होगी, तो प्लानिंग होगी तो आपके पास गोल्स आ जाएंगे, प्री डिफाइंड गोल्स। वो सेट ऑफ गोल्स जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दे सकते हैं, जो कि डेवलपमेंट के स्टार्ट से लेकर डेवलपमेंट खत्म तक वो ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ टाइम होगा। हर इदारे का एक लाइफ टाइम भी होता है, जो ज़रूरी नहीं कि आप डिफाइन करें। कई ऐसे इदारे भी हैं जिनका लाइफ टाइम डिफाइन नहीं होता, और वो खुद ही जब तक उनका बिजनेस चलता रहता है वो काम करते हैं, और जब वो मार्केट से आउट हो जाते हैं तो फिर उनका नाम ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर इंडस्ट्री में अभी आपने इंटेल का नाम सुना होगा, एक ज़माने में साइरस भी बड़ी मशहूर थी, जो कि माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाती थी। डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन थी डेक, वो बड़ी पॉपुलर थी कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में। अभी वो ऑर्गेनाइजेशंस दे आर नो मोर। तो ऑर्गेनाइजेशन का टाइम हालात भी डिसाइड करते हैं। तो मैं आपको 4 P's की मिसाल दे रहा था, पीपल, प्रोडक्ट जो डिलीवर करनी है, और प्रोजेक्ट जिसमें प्लानिंग होगी और मैनेजमेंट कंट्रोल भी करेगी आपको। और इस पे काफ़ी सारी रिसर्च हो चुकी है, आप पढ़िएगा। 1998 में इंडस्ट्री डेटा इंडिकेटेड दैट 26% ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फेल्ड आउटराइट एंड 46% एक्सपीरियंस कॉस्ट एंड शेड्यूल ओवररन। ये जो फेलवर का शिकार होते हैं और कॉस्ट पड़ जाती है, ये क्यों होती है स्टूडेंट? जब आपकी प्लानिंग में फ्लॉ हो या आप कंट्रोल ना कर पा रहे हो जो आपने प्लान किया हो। तो ये थे आपके जी 4 P's, और अभी हम जो है इसको थोड़ा सा डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी हम कवर कर रहे हैं आज। अब देखें इसमें प्लेयर्स क्या होते हैं, किसी सॉफ्टवेयर इदारे में प्लेयर यानी कि आपके रोल्स क्या होंगे। जैसे क्रिकेट की टीम है ना, उसमें कोई विकेट कीपर होगा, कोई बैट्समैन होगा, कोई ऑलराउंडर होगा, कोई आपके पास बॉलर होगा, तो वो रोल्स हैं, उनको आप प्लेयर्स बोलते हैं। फुटबॉल में आपके पास गोल कीपर है, फॉरवर्ड पे खेल रहा है, बैक फुट पे खेल रहा है, तो वो आपके डिफरेंट जो है वो रोल्स होते हैं। जिस तरह आपकी स्पोर्ट्स में होते हैं वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में प्लेयर्स होते हैं। तो इसमें आपके पास जी सीनियर मैनेजमेंट होगी टॉप ऑफ द पैरामिड्स। और ये कौन लोग होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं बिजनेस गोल्स को, ठीक है, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं पूरे प्रोजेक्ट पे, कंट्रोलिंग भी इनके पास होती है। ये जनरल मैनेजर्स होते हैं, यूजुअली MBAs। इनके नीचे आप देखते हैं प्रोजेक्ट टेक्निकल मैनेजर्स, ये वो लोग होते हैं जो कि अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं। आपने ब्रिज बनाना है तो जो रोड कंस्ट्रक्शन है, जाहिर है उसमें सिविल इंजीनियर जो हैं वो कंस्ट्रक्शन को ओवरलुक करेंगे, डिज़ाइन आर्किटेक्चर ने बनाया होगा, उसमें जो आपने कोई डिजिटल इक्विपमेंट लगाया है उसकी कोडिंग जो है वो कंप्यूटर के प्रोफेशनल्स करेंगे, या आपने उसके ऊपर जो है वो टोल कलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक टोल है जिस तरह से आप मोटरवे पे और अक्सर NHA पे भी आपको नज़र आता है, उसके लिए कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी। तो ये कौन से लोग होंगे, टेक्निकल मैनेजर्स होंगे। उसके बाद ये आपके पास ये प्लान भी करते हैं अपने एरिया का काम, सिर्फ सिविल वाला सिविल का, कंप्यूटर वाला कंप्यूटर का, मोटिवेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर आपके पास प्रैक्टिशनर्स आ जाते हैं। अब ये वो स्टाफ होता है जो कि प्लानर नहीं होता, एग्जीक्यूटर होता है। जिस तरह से आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आपने कंप्यूटर असिस्टेंट रखा हुआ है, हेल्प डेस्क मैन रखा हुआ है, जो कि आपकी जो है डिफरेंट टास्क जो भी आप उसे साइन करते हैं कि आप प्रिंट करके ले आएँ, या आपने अगर कनेक्टिविटी करनी है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, तो आप उसको बोल सकते हो कि ये काम कर दें। तो प्रैक्टिशनर्स वो लोग होते हैं जो प्लानर नहीं होते, प्लान मैनेजर ने करना है, ये एग्जीक्यूटर होते हैं, लेकिन स्टिल इनके पास टेक्निकल स्किल्स होती हैं। कंप्यूटर का डेस्क बॉय है तो उसके पास कंप्यूटर की स्किल्स होंगी। डिस्पैच राइटर है तो वो आपके पास डाक का काम करेगा। अगर वो कोई सिविल असिस्टेंट है तो वो कंस्ट्रक्शन में हेल्प आउट करेगा, एंड सो ऑन। कस्टमर वो जो कि आपकी हु स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट फॉर द
जो आपसे प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, ठीक है, एंड यूजर्स वो हैं जो इस्तेमाल करेंगे, जो ब्रिज से लोग इस्तेमाल करेंगे, जनरल पब्लिक वो एंड यूजर हो जाएंगे। तो ये था जी प्लेयर्स। प्लेयर्स के बाद है जी हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी में कि टीम लीडर्स का क्या काम होता है। ये जो ऊपर आपने सीनियर मैनेजर और टेक्निकल मैनेजर डिफाइन किया, ये क्या काम करते हैं? ये जो है लोगों को मोटिवेट भी रखते हैं। इसमें रिसर्च नीचे देखें दी हुई है, ये एच की रिसर्च है और जेरी मैनबर्ग की रिसर्च है, इन दो लोगों ने इस पर रिसर्च की थी और इन्होंने एक MOI मॉडल बनाया, मॉडल ऑफ लीडरशिप, ठीक है। और ये क्या कहते हैं जी, लीडरशिप का काम है लोगों को मोटिवेट रखे, ऑर्गेनाइजेशन करे यानी कंट्रोलिंग का काम भी परफॉर्म करे और आइडियाज़ और इनोवेशन भी करे। नथिंग गोज अकॉर्डिंग टू दी प्लान, अगर इनिशियल प्लान में कोई गड़बड़ हो गई है, इनिशियल भी इसने देना है और बाद में एडजस्ट भी करना, ठीक है। तो ये तो था जी जेरी वेनबर्ग का स्टडी। नीचे देखें ये जो ऊपर एज का रेफरेंस दिया हुआ था, जेरी वेनबर्ग ने MOI मॉडल दिया और ये जो एज है इसका ये रेफरेंस दिया हुआ है, इसने क्या कहा, इसने बोला है कि करेक्टरिस्टिक क्या होती है मैनेजर में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मैनेजेरियल आइडेंटिटी होती है। एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है और कंट्रोल भी करता है, एज्यूम कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद कॉन्फिडेंस कि आपको प्रॉब्लम टेक्निकली आप साउंड हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, कॉन्फिडेंट हो, प्लानिंग में भी कंट्रोल में भी, अचीवमेंट ओरिएंटेड पर्सन हो कि आपके अंदर प्रोडक्टिविटी हो और आप लोगों से काम ले सकते हो और अपनी टीम पे इन्फ्लुएंस भी करें, यानी टीम आपको लीडर भी एक्सेप्ट करें। तो ये जो रिसर्च है ये एज की रिसर्च है 95 की और ये जेरी वेनबर्ग की 86 की रिसर्च है जो कि टीम लीडर्स को डिफाइन करती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी में। अब अगला ही हमारी जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी में वो है सॉफ्टवेयर टीम्स। सॉफ्टवेयर टीम कैसे बनाई जाती है? वैसे तो हमने कल बात की थी ना कि ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में कि आप तीन चार लोग, प्री डिफाइंड गोल नहीं है और आपका सोशल ग्रुप है, क्लास फेलोज हैं आप, फ्रेंड्स हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। दो या दो से ज़्यादा अफराद बगैर किसी प्री डिफाइंड गोल के इकट्ठे काम कर रहे हैं, कोई चैरिटी वर्क कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको याद होगा प्री डिफाइंड गोल चाहिए था, यानी कि लोग कंबाइन होते हैं किसी एक गोल के तहत। तो सॉफ्टवेयर टीम्स के अंदर भी मेंटाई की रिसर्च है जो आपकी PPTs में रेफरेंस भी दिया हुआ था। तो मेंटाई ने सजेस्ट किया है जी तीन तरह की सॉफ्टवेयर टीम्स होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी में, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या DD, कंट्रोल डिसेंट्रलाइजेशन या CD, कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड या CC। DD क्या होता है जी? DD होती है बड़ी आज़ाद सी टीम होती है, लूजली कपल्ड, इनका कोई डिफाइंड लीडर भी नहीं होता। दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम हैज़ नो परमानेंट लीडर, रेदर टास्क कोऑर्डिनेटर्स आर अपॉइंटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। DD इस्तेमाल होती है रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट में। याद रखें प्रोजेक्ट जितना कॉम्प्लेक्स होगा टीम आपको उतनी लूजली बनानी पड़ेगी विदाउट अ लीडर, और प्रोजेक्ट में जितनी कम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कम सोचने वाला काम होगा, उतना आपको सेंट्रलाइज्ड एक परमानेंट लीडर लगाना पड़ेगा। अब देखें जैसे पाकिस्तान में रिसर्च इदारों में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, उसके नीचे नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, नेशनल कंप्यूटर सेंटर है और पाकिस्तान मैरिटाइम है, काफ़ी सारे इदारे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या काम होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। स्पार्को है आपके पास, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें आपको ज़रूरत पेश आती है इनोवेशन की, जहाँ पर आपने इनोवेशन करनी है वहाँ पर आप फ्री हैंड देते हैं एम्प्लॉइज़ को। उसमें ये नहीं होता कि आपने 9 से 5 बजे तक ऑफिस में आना है, ये आपका ड्रेस कोड होगा, यू मस्ट हैव अ टाई एटसेट्रा एटसेट्रा ब्ला ब्ला। जो आपको रिसर्चर्स नज़र आएंगे उसमें कोई डिफाइंड लीडर नहीं होगा, उन्हें टास्क दी जाएगी कि आपने पाकिस्तान के लिए अगर Shaheen 1 है तो Shaheen 2 जो है वो डिज़ाइन करना है, उसकी आपने जो है सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है या आपने उसकी प्रोपल्शन सिस्टम बनाना है। तो वहाँ पर आप एक टास्क देंगे और लूजली कपल्ड कर देंगे, वो चाहे लैब में बैठ के रिसर्च करें और सुबह की बजाय रात को लैब में आके काम करने लग जाएं 2 से 5 बजे तक। तो ये लूजली कपल्ड जो है फॉर्मेट होता है रिसर्च या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए। दूसरी तरफ अगर आपका बैंक है जहाँ पे आपकी कैशियर की जॉब है, या आप आर्म्ड फोर्सेज में काम करते हैं या पुलिस में काम करते हैं, वहाँ आपका एक डिफाइंड लीडर होगा, क्योंकि उधर आपने इनोवेशन नहीं करनी, पहले से आपको काम पता है, आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो जहाँ पे इनोवेशन सबसे कम होगी वहाँ मॉडल इस्तेमाल होगा कंट्रोल सेंट्रलाइजेशन, आप हर काम अपने लीडर से पूछ के करेंगे, टॉप लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी।
जहाँ पे फुल रिसर्च होगी वहाँ पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होगी, लूजली कपल्ड होगी, तो ड्रेस कोड भी हर चीज़ रिलैक्स होगी इसमें। दरमियान में इन दोनों के आ जाता है कंट्रोल डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ थोड़ी रिसर्च हो और थोड़ा आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो। मसलन यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब यूनिवर्सिटी में ज़ाहिर है आपने लेक्चर्स भी कंडक्ट करने हैं जो कि एक सर्विसेज है, और फिर आपने रिसर्च भी करनी है, इनोवेशन भी करनी है, वो एक रिसर्च है। तो ये एक मिल्ड इंस्टीट्यूशन है आपकी। इसी तरह से नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, उसमें मुसलसल इनोवेशन भी चल रही है। पहले शनाख्ती कार्ड कंप्यूटराइज हुए थे, फिर पासपोर्ट कंप्यूटराइज कर दिए उन्होंने, फिर आर्म्स के लाइसेंसेस कंप्यूटराइज हो गए, फिर इसी तरह बे फॉर्म वगैरह। तो उनकी इनोवेशन भी चल रही है और सर्विसेज सेक्टर भी चल रहा है। तो उस इदारे में जो आपके NSRCs होते हैं, जहाँ आप कार्ड बनवाने जाते हैं, वहाँ पे तो तकरीबन CC वाला काम चल रहा होता है। लेकिन अगर उनके रिसर्च विंग में चले जाएं इस्लामाबाद में या रीजनल हेडक्वार्टर्स में, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी रखे हुए हैं उन्होंने, जो कि इनोवेशन का काम भी करते हैं, साइंटिस्ट भी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी हैं। तो वो मिल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये है कम्बिनेशन ऑफ बोथ CC एंड DD। CD क्या है जी? दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम हैज़ अ डिफाइंड लीडर टू कोऑर्डिनेट स्पेसिफिक टास्क एंड सेकेंडरी लीडर्स दैट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब टास्क। प्रॉब्लम सॉल्विंग रिमेन्स अ ग्रुप एक्टिविटी। लोगों को कुछ ना कुछ आज़ादी भी दी जाती है, लेकिन आपने अपने ऑफिसर से पूछ के काम करना है। आपको काफ़ी हद तक आज़ादी होती है कि आप किस तरह से अपनी जॉब जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं, बट स्टिल आपको कंसल्टेशन लीडर से देना पड़ती है। और कंट्रोल सेंट्रलाइजेशन में हर काम आपने पूछ के करना होता है, मतलब आर्म फोर्सेज हैं उसमें, पुलिस डिप, यूनिफॉर्म सर्विसेज सारी की सारी CC में आ जाती है। और जो आपके पास CD है, इसमें आपके पास जो है वो ऐसे इदारे आ जाते हैं जिसमें कुछ इनोवेशन और कुछ सर्विसेज। DD में प्योर रिसर्च इदारे आ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, DD में नो डिफाइंड लीडर, लूजली कपल्ड टीम्स विद वेरी लेस रिस्ट्रिक्शंस। CD में लीडर होता तो है लेकिन उसकी एब्सोल्यूट पावर नहीं होती, डिसीजन मेकिंग कंसेंसस से ग्रुप का मशवरा लेके और एक तरीके से चला जाता है। ये ऐसे इदारे होते हैं जिसमें रिसर्च भी होती है और कुछ सर्विसेज सेक्टर भी होता है, जैसे नात्रा है या यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसी तरह CC सेक्टर है, तो CC सेक्टर के अंदर आपकी कोई इनोवेशन नहीं होती, इसमें प्री डिफाइंड गोल हैं और आपने एक स्ट्रिक्ट हायरार्की में चलना है और अपने लीडर की मर्जी से चलना है। तो कंप्यूटिंग प्रोफेशन तीनों लेवल पे आ जाते हैं। आप देखें पाकिस्तान एयरफोर्स में पूरी IT की ब्रांच है, आर्मी में चले जाएँ सिग्नल्स कोर है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स हैं, साइबर क्राइम विंग है, तो लेकिन वो सब के सब CC मॉडल पे काम करेंगे। फिर आप अगर इसी तरह से कंप्यूटिंग आपकी नादरा के अंदर भी इन्वॉल्व है, आपकी हर मिनिस्ट्री के अंदर एक IT डिपार्टमेंट मौजूद होता है, वो कोई सी भी मिनिस्ट्री हो सकती है, कोई सा भी इवन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें भी IT की ब्रांच मौजूद होती है, वेबसाइट बनाने के लिए, ई कॉमर्स के लिए। तो वहाँ पे ये है कि वो CD में आ जाते हैं, कि उधर थोड़ी सी इनोवेशन है और थोड़ी सी सर्विसेज भी हैं। इसी तरह से आपकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे PCSIR है पाकिस्तान में, NDC है, NCC है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, स्पार्को है, ये सारे इदारे रिसर्च इदारे हैं। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मॉडल अप्लाई होता है, और ये कंप्यूटिंग टीम्स ही हैं मेंटाई की जो रिसर्च है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम्स के लिए। तो ये तीन तरह की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम्स हो सकती हैं आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी के अंदर। फिर देखिए मेंटाई ने 7 प्रोजेक्ट फैक्टर बताए हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि अगर आप मैनेजर हो तो कौन सा मॉडल अप्लाई करोगे। ये 7 प्रोजेक्ट क्या है? जो डिफिकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। अब बच्चों आपको खुद ही आइडिया होगा कि इफ़ द डिफिकल्टी ऑफ अ प्रोजेक्ट इज़ हायर, आप कौन सी टीम सेलेक्ट करोगे? DD मॉडल। जितनी डिफिकल्टी ऊपर जाएगी आप DD की तरफ जाओगे, जितनी डिफिकल्टी या कॉम्प्लेक्सिटी नीचे आएगी आप CC की तरफ आओगे, और मिल्ड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए आप CD का मॉडल जो है वो लेंगे। द साइज ऑफ द रिजल्टेंट प्रोग्राम्स इन लाइन ऑफ कोड और फंक्शन पॉइंट्स, जितना ज़्यादा आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें अगर मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स हैं तो ये इनोवेटिव प्रोडक्ट है। जितनी इनोवेटिव है आप जाएंगे DD की तरफ। दरमियाने दर्जे का प्रोजेक्ट है लाइंस ऑफ कोड में तो CD, स्मॉल प्रोजेक्ट है तो CC में भी हो जाएगा। द टाइम दैट द टीम विल स्टे टुगेदर, टीम लाइफ टाइम, ये भी अब डिटरमिन करता है कि कितने अरसे के लिए टीम जो है वो इकट्ठी रहेगी। मिसाल के तौर पे आपने जो है यूनिफॉर्म सर्विस में से कोई टीम बनाई जिन्होंने रिसर्च करनी,
आपने साइबर क्राइम विंग से FIA की या पाकिस्तान आर्मी की या एयरफोर्स की IT कोर से लोग उठाए और उनको आपने कोई टास्क असाइन कर दी कि आपने JF-17 के जो एवियोनिक्स हैं उसको अपग्रेड करने को मॉनिटर करना है। तो इस तरह की टीम को कभी आप DD मॉडल नहीं देंगे, क्योंकि जब उन्होंने इनका शॉर्ट लाइफ टाइम होगा, जब ये वापस आएंगे 1-2 साल बाद, तो इनको फिर CC में एडजस्ट करने में मुश्किल होगा। CC से कोई टीम बनाई है तो वो CD में जाएगी। और इसी तरह से अगर आप एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साइंसदानों को भेज रहे हैं आर्मी में या एयरफोर्स में कुछ अर्से के लिए काम करने के लिए किसी प्रोजेक्ट पे, तो उनको आप CC नहीं देंगे, क्योंकि वो जॉब क्विट कर जाएंगे अगर आपने DD से उठा के सीधा CC में डाल दें। तो लाइफ टाइम जो है वो बड़ा मैटर करता है, उसमें आपने देखना है, ये भी एक फैक्टर है। द डिग्री टू विच द प्रॉब्लम कैन बी मॉडलराइज, अब आपकी कितना जो प्रॉब्लम है वो माइन्यूट लेवल पे डिवाइड हो सकता है, मॉड्यूलराइज हो सकता है, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। जो हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होंगे जिनमें 100-100 200-200 लेयर्स होंगी ट्रांसलेशन की, तो आप CC से ऊपर की तरफ जाओगे, CD और DD की तरफ, जितना आप CC पे आओगे। द रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू बी बिल्ड, याद रखें रिलायबिलिटी और क्वालिटी प्रोडक्ट में उस वक्त आएगी जब आप अपनी टीम को, जो इनोवेटिव टीम है उसके पास थोड़ा सा फ्री हैंड होगा। अगर आपकी इनोवेटिव टीम का ज़्यादा फोकस होगा कि जी ड्रेस कोड अच्छा रखना है, 9 o'clock यू हैव टू रीच टू द ऑफिस, 5 बजे छुट्टी हो गई, तो जो इनोवेटिव टीम है वो सही काम नहीं करेगी। उसे थोड़ा फ्लेक्सिबल टास्क ओरिएंटेड जब आप रखोगे तो वो बेहतर काम करेंगे। इस यही वजह है कि आप अक्सर देखिए सॉफ्टवेयर हाउसेज में ड्रेस कोड और टाइमिंग्स रिलैक्स्ड होती है, लेकिन आपने माइलस्टोन अचीव करना होता है, 2 महीने में, महीने में, यू हैव टू अचीव द माइलस्टोन। द रिजिडिटी ऑफ द डिलीवरी डेट, अब अगर तो आपका जो कंपनी है वो टाइमलाइंस पे काम करती है, टाइमलाइन यूजुअली इनोवेटिव प्रोजेक्ट में नहीं होती है टाइट, उसमें होता है बस आपने बनाना है, एक इनोवेशन करनी है 10 साल में, 5 साल में। लेकिन अगर आपने कोई बिजनेस पैकेज बनाना है, बैंक को देना है, तो उसमें होगा जी 1 साल में डिलीवरी चाहिए, तो फिर आप CD पे चल सकते हैं, DD पे नहीं चलेंगे। जब आपके स्केड्यूल टाइट हो तो CC या CD, तो DD पे आप नहीं जाएंगे, आप बने बनाए मॉड्यूल्स उठाएंगे, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, टाइम पर डिलीवर करेंगे, इनोवेशन कम हो जाएगी। द डिग्री ऑफ सोशेबिलिटी, कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, अब कम्युनिकेशन जो है CC वाले मॉडल में है वर्टिकल कम्युनिकेशन, बॉस के साथ ज़्यादा, आपस में कम, CD में आपस में और बॉस से बराबर है, और DD में कोई डिफाइंड बॉस ही नहीं होता, आपकी सारी की सारी कम्युनिकेशन विद इन द पीयर्स है, ठीक है। तो ये आपने देखना है डिग्री ऑफ सोशेबिलिटी कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी आपको कम्युनिकेशन चाहिए, उस हिसाब से आप मॉडल डिसाइड कर सकते हैं। तो ये थी जी मेंटाई की रिसर्च, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी के लिए आपने सॉफ्टवेयर टीम्स जो हैं वो किस तरह से आपने बनानी, ठीक है जी। तो ये 3 मॉडल हैं जी, DD, CD और CC, बड़े पॉपुलर मॉडल्स हैं, और 7 फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि टीम किस तरह से बने। तो ये आपने थोड़ा सा एक दफ़ा पढ़ लेने हैं तो आपको ये मेमोराइज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ रहे थे जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी, पहले हमने वो 4 P's देखे, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्लेयर, और उसके बाद हम आ गए जी मेंटाई और कॉन्स्टेंटाइन के काम पे। तो मेंटाई का वर्क जो है वो सॉफ्टवेयर टीम से रिलेटेड, 3 तरह की टीम्स हैं और 7 फैक्टर्स हैं जो इन टीम्स को डिसाइड करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी में जो पीपल है वो इस तरह से आप उसे कंबाइन कर सकते हैं, तीन तीन तरह की टीम्स और इन फैक्टर्स के ऊपर। दूसरी स्टूडेंट इसमें जो बात लिखी हुई थी वो थी कॉन्स्टेंटाइन। चलिए मेरा ख्याल है अभी आज का लेक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो हम जोहर की नमाज की ब्रेक ले लेते हैं, तो वी मीट अगेन। आप लोग भी इससे पहले के जो है आपका थोड़ा